थोड़ा सा ऐसे घुस थोड़ा सा ये दोनों का दे दो ना। आप लोग आपस में कर लीजिएगा, आपस में बांट लीजिएगा। ये लो ना, ये लो ना, ठीक है। आप अच्छा से रहिए, अच्छा रहेगा। चलिए लो। नालंदा जिले में मुझे कल बताया गया कि 11 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है। आज मैं सुबह यहाँ आया और 11 लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, सबके परिवार के पास गया, सबसे मिला, सबसे पूछा। उन लोगों ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन इन लोगों ने पिया था। कुछ लोगों ने दो बार पी लिया, कुछ लोग एक बार पिए, और जितने लोगों ने पिया है सबकी स्थिति खराब हो गई। रात को उसमें 11 लोग, कल शाम तक डेथ हो गया, दो लोगों का सुबह डेथ हुआ, यानी 13 लोग का डेथ हो गया है जहरीली शराब पीने से। सब लोगों ने कहा कि भाई ये सिर्फ शराब पीने से हुई है, और ये शराब सालों से बिक रही है, लेकिन कोई उनको रोकता नहीं है। उन गरीबों ने ये कहा, ये गरीब नहीं है, गरीबों में भी गरीब हैं, क्योंकि किन्हीं के पास कोई मकान नहीं है, कोई झोपड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। ये लगभग रोड पे रहते हैं, और उसमें अधिकतर लोग जो मरे हैं वो घर के सोल अर्निंग मेंबर थे। आपको इतना पता, सरकार का ये फेलियर रहा है कि पिछले एक साल से इन लोगों ने नहीं पकड़ा, जैसा इन्होंने उन लोगों ने बताया। अभी की जो नई सेटअप आई है नालंदा में, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ उससे बढ़िया होगा, ऐसा हमको लगने लगा है, क्योंकि ये लोग लगातार घूम रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। लेकिन ये सरकार का फेलियर रहा। और आपको इतना बता दें कि बहुत ही खराब स्थिति में हैं लोग यहाँ के। हमने भी अपनी तरफ से जो उचित मैं कर सकता था आर्थिक मदद वो किया, और उनको सिविल SDO को तुरंत फ़ोन किया कि भाई आप इन लोगों को, इनकी स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, और ये खाने की स्थिति में नहीं है। तो जिनको जो इनका बनता है राशन, वो राशन इनको दे दिया जाए, कम से कम ये खाने की स्थिति में हो। मैं इतना ही कह रहा हूँ, अभी जो इंक्वायरी होनी है वो होगी, लेकिन अभी लोगों में दहशत है। कई लोग बहुत ही गरीब हैं और खराब स्थिति से गुजर रहे हैं।